बार फिर कनेरा चक में पारदियों का कहर देखने को मिला है। विगत दो दिनों पूर्व भी फीटर पर काम कर रहे विद्युत कर्मी पे गोली चलाने के बाद उससे लाठियों से पिटाई करने के वारदात के बाद आज फिर पारदियों ने अपना कहर बरपाया। गुना से पहुंची स्पेशल टीम के द्वारा पारदियों की धरपकड़ की मुहिम चलाई जा रही थी। इसी मुहिम के चलते आज कनेरा चक में जब पुलिस टीम पहुंची तो वहां पर पार्टी समुदाय के लोग पार्टी कर रहे थे। इन्हीं समुदाय के लोगों ने अचानक पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें मनोज रघुवंशी नामक आरक्षक की जबड़े में गोली लगी है। हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उसको इंदौर रेफर कर दिया गया है। समस्या परे है कि किस तरह से पुलिस ये मुहिम चला रही, जबकि उनको मालूम है पारदी समुदाय कुछ भी कर गुजरता है, उसके बाद भी कोई साजो सामान लेके नहीं गई थी। वहां पर केवल 8 पुलिसकर्मी ही पहुंचे थे, सामने पारदी थे 22। पारदियों का कहर एक बार फिर सर चढ़कर बोलने लगा है गुना में। ऐसी ही खबर आ रही है चक कनेरा से। आपको बता दें कि विगत दो दिनों पूर्व भी पारदियों ने फायरिंग की थी और एक विद्युत कर्मी के साथ मारपिटाई की थी। वहीं आज अचानक जब पुलिस दल पारदियों को पकड़ने गया तो वहां पारदियों ने पुलिस दल पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजतन मनोज रघुवंशी जो कि आरक्षक है उसके जबड़े में गोली लग गई। आपको बता दें कि पारदियों को पकड़ने के लिए जब भी टीम जाती है तो एक बड़ा दस्ता बना के जाती है, लेकिन यहां केवल 8 पुलिसकर्मी ही पहुंचे थे पारदियों को पकड़ने के लिए, जबकि वहां पर 20 से ज्यादा पारदी मौजूद थे। अचानक हुई इस गोलीबारी के चलते पुलिस को वापस लौटना पड़ा। वहीं सूत्र बताते हैं कि पुलिस टीम जो गुना से गई थी उसने धरनावदा थाना प्रभारी को कोई भी सूचना नहीं दी थी। वहीं समस्या पर है कि किस तरह जब ये पुलिस टीम गई तो यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में कौन होता है इसका जिम्मेदार? क्यों यहां से बड़ा पुलिस बल नहीं गया था, केवल 8 पुलिसकर्मियों को भेजा गया था, वो भी सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में? थाना कोतवाली और क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए चौकी झाकर के ग्राम कनेरा में गई थी। वहाँ पर कुछ अपराधी सामने आ गए थे और आरक्षक के ऊपर गोली चलाई, उसके कान के भाग में गोली लगी। आरक्षक खतरे से बाहर है, लेकिन इसका उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया। ये जिनके नेतृत्व में टीम भेजी गई थी, क्या वो इतने परिपक्व हैं कि वो इस तरह की परिस्थितियों को संभाल पाते, फिर भी उनको भेजा जाता है हर जगह? सभी इंस्पेक्टर के अधिकारी और सक्षम है हर जगह दबी देने के लिए। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको बाद में बताई जाएगी, अभी फिलहाल उपचार आरक्षक का और अधिक जानकारी आपको बाद में बताएंगे। क्या फायरिंग दोनों तरफ से हुई थी, एक ही तरफ से हुई? नहीं, अभी फिलहाल आरक्षक को गोली लगी है और यहाँ पर आरक्षक इलाजरत है और यही प्रथम दृष्टया जानकारी। अभी कोई आरोपी पकड़ा हुआ है कि सर? इसमें अभी कोई जानकारी नहीं है, अधिक जानकारी आपको बाद में बताई जाएगी।